रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमणि, सीपीपीएस, गेस्ट टीचर, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज हम लोग पॉलिटी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। इसके तहत योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। योजना आयोग की स्थापना के लिए संविधान में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं, अतः यह एक संवैधानिक निकाय नहीं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात किया गया। संघ कैबिनेट की हैसियत से यह प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, जिसकी की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके भी नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्यों के साथ समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा इसके सदस्य भारत सरकार के कैबिनेट के सभी सदस्य एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य राष्ट्रीय योजना के प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के सुनिश्चित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्ति करने हेतु सुझाव देना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीति संबंधी विषयों पर विचार करना। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राजनीतिक दल को तभी राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है जब 4 राज्यों में कुल वैध मत का 6% वोट प्राप्त हो और कम से कम 4 MP हो, अथवा 4 राज्यों में कुल वैध मत का 4% वोट प्राप्त किया हो और कम से कम 11 MP हो, अथवा 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यह शर्तें पूरे करने वाले पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का पहचान प्राप्त होता है। वर्तमान में 6 राजनीतिक दल है। पहला BJP, दूसरा कांग्रेस, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवा BSP और छठा AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में 2016 में पहचान मिली। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता तभी प्राप्त होती है जब 4 जिलों में कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त हुआ हो और कम से कम 2 MLA हो, अथवा कुल वैध मत का 3% और कम से कम 3 MLA हो। वर्तमान में क्षेत्रीय राजनीतिक दल की संख्या 49 है। अगला टॉपिक है कुछ प्रमुख संसदीय समितियां, जैसे प्राकलन, लोक लेखा, विशेषाधिकारी आदि समितियां। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्राकलन समिति। इसमें प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं। इसमें कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। इन सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातित प्रतिनिधि के आधार पर एकल संसदीय मत के माध्यम से 1 वर्ष के लिए लोकसभा द्वारा होता है। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसमें कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। CAG कैग के बाद रिपोर्ट जांच हेतु लोक लेखा समिति में ही जाती है। अगला है विशेषाधिकार समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री। इसका मुख्य कार्य है विशेषाधिकार संबंधी कानून में सलाह देना। आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख संसदीय कार्रवाई। पहला प्रश्नकाल।
यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का होता है। लोक महत्व के किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से किसी भी संसद द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है शून्यकाल। यह साधारणतः 5 से 15 मिनट का होता है, किंतु इसका काल 1 घंटे का निर्धारित है। यह काल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है। काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव तब लाया जाता है जब वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना आवश्यक है और इस स्थिति में सभी अन्य प्रस्तावों को रोक दिया जाता है और काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है निंदा प्रस्ताव। यह हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसी अति गंभीर समस्या के कारण यह प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव में बहस होता है, बहस के पश्चात वोटिंग होती है और अगर यह पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। स्थगन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव भी एक तरह का निंदा प्रस्ताव है, लेकिन इसमें सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर संसद को उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। अगला टॉपिक है संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन। वर्तमान में 104 संविधान संशोधन हो चुका है। 104 संविधान संशोधन जनवरी 2021 में हुआ है। इसमें से कुछ प्रमुख संशोधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला संविधान संशोधन 1951, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची शामिल किया गया। पहला संविधान संशोधन में ही संसद को आर्टिकल 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार को सीमित करने का अधिकार प्रदान हुआ। अगला है 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा गोवा दमन द्वीप का 1961 में भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। मैं यहाँ बताते चलूँ कि मैं आप लोग को कुछ प्रमुख संविधान संशोधन बता रहा हूँ, ना कि सारा। अगला है 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड राज्य का निर्माण और संविधान में आर्टिकल 371A जोड़ा गया। 14वां संविधान संशोधन 1962, पौंडीचेरी का भारत में अधिग्रहण। 15वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी भागों में संशोधन का अधिकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की स्थिति इसी कारण उत्पन्न हुई थी या पारित हुई थी। 26वां संविधान संशोधन 1971, राजाओं को राजकीय भत्ता देने की समाप्ति। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा और सिक्किम को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल। सिक्किम 22वें राज्य के रूप में पहली अनुसूची में शामिल है। अगला है 41वां संविधान संशोधन 1976, राज्य एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, किंतु संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ही रहने दी गई। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान की संज्ञा। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़ा गया। लोकसभा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A एवं भाग 4A के तहत जोड़ा गया। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये कुछ प्रमुख बातें थी, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।